मैं वरुण बाबुल गोसाईगांव समाचार से, गोसाईगांव समाचार के न्यूज सुपर फास्ट बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए जाने नौगछिया भागलपुर सहित आसपास जिलों की प्रमुख खबरें। नवगछिया में टला बड़ा रेल हादसा, रसलपुर संपार फाटक पर लगा जाम, ट्रेन का हुआ आगमन, मची अफरा तफरी, आउटर सिग्नल पर 30 मिनट तक रुकी रही अवध आसाम एक्सप्रेस। कटिहार बनौनी रेलखंड के बीच नवगछिया रेलवे स्टेशन के पूर्व रसलपुर संपार फाटक पर बड़ा रेल हादसे होते होते बच गया। शुक्रवार की दोपहर 12:40 पर संपार फाटक पर जाम लग जाने के कारण ट्रेन के आगमन होने पर अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। जाम के कारण संपार बंद नहीं हो पाया। उसी समय 1:59 अवध आसाम एक्सप्रेस ट्रेन नवगछिया स्टेशन पहुँचने वाली थी। जाम के कारण संपार बंद नहीं हो पाया और रेलवे ट्रैक पर ट्रेन दिखने लगी। ट्रेन के दिखने के साथ ही जाम में फंसे लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। लोग इधर उधर भागने लगे। इस दौरान संपार फाटक कर्मी ने सूझबूझ दिखाते हुए ट्रेन को लाल झंडी दिखाते हुए आगे बढ़े। इसके बाद आउटर सिग्नल पर ही अवध आसाम एक्सप्रेस ट्रेन रुकी। ट्रेन के रुक जाने के बाद जाम में फंसे वाहन चालकों को संपार फाटक कर्मी ने निकाला। इसके बाद इमरजेंसी केबिन लगाकर ट्रेन को नवगछिया स्टेशन प्रवेश कराया। संपार फाटक कर्मी की सूझबूझ के कारण एक बार फिर बड़ा रेल हादसे होते होते बच गया। संपार फाटक के बंद नहीं होने के कारण 12:40 पर अवध आसाम एक्सप्रेस ट्रेन आउटर सिग्नल पर रुकी थी। संपार बंद होने के बाद 1:05 पर ट्रेन को आगे बढ़ाया गया। इसके बाद ट्रेन नवगछिया स्टेशन पहुंची। एनएच पर हो रहे प्रभावी गश्ती, वाहनों की करे सघन जांच। आईजी ने नवगछिया पुलिस जिले के पदाधिकारी के साथ अपराध व विधि व्यवस्था की समीक्षा। नवगछिया के एनएच 31 पर अपराधियों के बढ़ते मनोबल को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी पुलिस प्रशासन द्वारा कर ली गई है। एनएच 31 पर अपराधी घटना ना हो, इसको लेकर पुलिस ने नई रणनीति बना ली है। इस संदर्भ में भागलपुर प्रक्षेत्र के आईजी विनोद कुमार ने शुक्रवार को नवगछिया पहुंच नवगछिया के एनएच के किनारे के सभी थाने के पदाधिकारी के साथ बैठक कर अपराधियों पर अंकुश लगाने की एक रणनीति के तहत कार्य करने का निर्देश दिया। इस दौरान उन्होंने पुलिस जिले में पुलिस पदाधिकारियों के साथ अपराध नियंत्रण व विधि व्यवस्था को लेकर समीक्षा की। अपराधियों की गिरफ्तारी को सुनिश्चित करने एवं सड़क पर अपराधियों द्वारा हो रही लूट की घटना को गंभीरता से लेते हुए इस पर अंकुश लगाने को लेकर पुलिस पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया। इससे पहले उन्होंने नवगछिया SP कार्यालय में नवगछिया रंगरा परबत्ता एवं गोपालपुर इस्माइलपुर थाने के पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इसके बाद नारायणपुर के भवानीपुर ओपी में भवानीपुर खरीक बीपुर व झंडापुर थाने के पुलिस पदाधिकारी के साथ बैठक की। रिव्यू करने के लिए आए थे, क्राइम वगैरह को रिव्यू करने के लिए सर। और कुछ विशेष निर्देश? कई क्षेत्र दौड़ाए थे क्या? नहीं, ठीक है, थैंक यू सर। नारायणपुर आईजी ने भवानीपुर ओपी में थानाध्यक्ष से किया संवाद। आईजी भागलपुर विनोद कुमार ने SP निधि रानी के साथ नारायणपुर प्रखंड के भवानीपुर ओपी में भवानीपुर बिहपुर झंडापुर खरीक थानाध्यक्ष के साथ अपराध नियंत्रण के लिए सीधा संवाद किया। संवाद में सभी थानेदार को लगातार गश्ती कर अपराधियों पर नकेल कसने पर चर्चा हुई। महत्वपूर्ण पंजी अद्यतन करने का निर्देश दिया। अपराधियों के विरुद्ध लगातार छापेमारी करने का निर्देश दिया। संवाद में भवानीपुर थानाध्यक्ष नीरज कुमार, बिहपुर थानाध्यक्ष रंजीत कुमार, झंडापुर ओपी प्रभारी पंकज कुमार, खरीक थानाध्यक्ष व खरीक थाना प्रभारी हरिशंकर प्रसाद कश्यप उपस्थित थे। नवगछिया, गरीबों के निवाला को कालाबाजारी में बिकने के पहले पुलिस ने पकड़ा। गरीबों के निवाले को कालाबाजारी में बिकने से पहले गोपालपुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर पिकअप वाहन व उसमें लोड किए गए सरकारी गेहूं व चावल तथा मौके पर से 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार की देर रात गोपालपुर थाना से सटे महाडली टोले में जन वितरण प्रणाली के दुकान के निकट सड़क पर पिकअप गाड़ी में सरकारी अनाज लोड किए जाने के दौरान पुलिस छापेमारी कर सरकारी अनाज सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। थानाध्यक्ष श्रीकांत भारती ने बताया कि बरामद अनाज किस प्रकार का है, इसकी जांच हेतु अनुमंडल पदाधिकारी नवगछिया से आग्रह किया गया है।
उनके निर्देश पर बीहपुर के एमओ अजीत कुमार इस्माइलपुर व रंगरा के एमओ राजेश रंजन सिन्हा व नौगछिया व गोपालपुर के एमओ शशिकांत राम गोपालपुर थाना पहुंचे तथा अनाज की जांच की। जांच में चावल व गेहूं सरकारी होने की पुष्टि की गई। जब्त किए गए अनाज में 23 बोरा गेहूं व 51 बोरा चावल है। तीनों एमओ द्वारा आरोपित सरकारी जन वितरण प्रणाली की दुकान व सरकारी अनाज के कारोबारी के तालमेल की जांच की गई। जांच के बाद डीलर माला देवी सहित ड्राइवर महेश राय, अनाज कारोबारी सुमित कुमार उर्फ गुड्डू, डीलर का मजदूर संजय दास व मजदूर नेपाली दास पर नामजद प्राथमिकी दर्ज किया गया है। हालांकि डीलर माला देवी को छोड़कर सभी आरोपियों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। थानाध्यक्ष ने बताया कि एमओ शशिकांत राम के आवेदन पर मामला दर्ज कर लिया गया है तथा सरकारी अनाज व पिकअप को जब्त कर लिया गया है। नवगछिया को पूर्ण जिले का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर हस्ताक्षर अभियान शुरू। नवगछिया को पूर्ण प्रशासनिक जिला का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर शुक्रवार को हस्ताक्षर अभियान शुरू किया गया। नवगछिया विकास समिति के द्वारा हस्ताक्षर अभियान कार्यक्रम की शुरुआत नवगछिया दुर्गा मंदिर चौक पर की गई। कार्यक्रम के तहत सैकड़ों लोगों ने जिला बनाने की मांग के बैनर पर हस्ताक्षर किया। कार्यक्रम की शुरुआत नौगछिया विकास समिति के संरक्षक सत्येंद्र नारायण चौधरी कौशल ने किया। मौके पर समिति के संयोजक मुकेश राणा ने बताया कि नौगछिया विकास समिति के द्वारा अनुमंडल में जगह जगह पर हस्ताक्षर अभियान लगाया जाएगा। निर्देशक अमित कुमार ने बताया कि समिति के सदस्य आम जनों को जागरूक करने का कार्य करेगी और मुख्यमंत्री को पोस्ट कार्ड भेजकर मांग की जाएगी। इस मौके पर बाजार के कई बुद्धिजीवी ने अपना सहयोग दिया और विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने भी हस्ताक्षर अभियान में शामिल होकर इसे एक अच्छे प्रारूप देकर शुरुआत की। मौके पर जेम्स फाइटर धीरज शर्मा, मोहम्मद नईम, अनीस यादव, विद्यासागर शाह, सलील कसेरा, गोपाल झा सहित कई अन्य उपस्थित थे। नौगछिया, शराब पीकर हंगामा कर रहे दो युवक को नौगछिया पुलिस ने किया गिरफ्तार। नौगछिया पुलिस ने शराब पीकर हंगामा कर रहे दो युवक को नौगछिया मदन अहिल्या महिला महाविद्यालय के पास से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार दोनों युवक गोपालपुर थाना क्षेत्र के वीरनगर निवासी अमित कुमार एवं विश्वजीत कुमार मंडल है। दोनों युवक को गिरफ्तार करने के बाद नौगछिया पुलिस द्वारा दोनों का नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में मेडिकल जांच कराया गया। नौगछिया थाना अध्यक्ष राज कपूर कुशवाहा ने बताया कि सूचना मिली थी कि दो युवक शराब पीकर मदन अहिल्या कॉलेज के पास हंगामा कर रहा है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां दोनों युवक को हंगामा करने के दौरान गिरफ्तार कर लिया। थानाध्यक्ष ने कहा इस मामले में नौगछिया थाना में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। शनिवार को गिरफ्तार दोनों युवक को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया जाएगा। नवगछिया, कांवर भजन बेल के पतिया की शूटिंग संपन्न। अंगिका और भोजपुरी भाषा के कांवर भजन से सुसज्जित 8 गानों के संगीत एल्बम बेल के पतिया के वीडियो फिल्म की शूटिंग शुक्रवार को संपन्न हुई। एल्बम में के सभी गानों की शूटिंग साकुन, नौगछिया, बांका के मंदार पर्वत इत्यादि जगहों पर की गई है। संगीत एल्बम के गायक और ध्वनि संयोजक मास्टर अनिल तिवारी ने कहा कि एल्बम का टाइटल सॉन्ग काफ़ी अच्छा बन पड़ा है और लोगों के जुबान पर चढ़ने लगा है। वहीं यह एल्बम DRS म्यूजिक नौगछिया के बैनर तले तैयार किया गया है। सभी कलाकार नौगछिया और भागलपुर के ही हैं। नौगछिया के 3 परीक्षा केंद्रों पर 168 परीक्षार्थियों की छूटी परीक्षा। BA पार्ट 3 की परीक्षा में विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा के प्रोग्राम में किए गए परिवर्तन के कारण सैकड़ों परीक्षार्थी का परीक्षा छूट गया। प्रोग्राम में परिवर्तन होने के कारण परीक्षा छूट जाने के कारण परीक्षार्थी परेशान हैं। नौगछिया अनुमंडल के 3 परीक्षा केंद्र में हुई विभिन्न विषयों से स्नातक कर रहे कुल 168 परीक्षार्थी की परीक्षा छूट गई है। परीक्षार्थियों ने परीक्षा विश्वविद्यालय के द्वारा प्रोग्राम के परिवर्तन में बरती गई लापरवाही के कारण छूटी है। विश्वविद्यालय द्वारा प्रथम चरण में प्रकाशित प्रोग्राम में सी एवं डी ग्रुप के विषय की परीक्षा तिथि 28 जून निर्धारित की गई थी। बाद में पुनः विश्वविद्यालय द्वारा प्रोग्राम में परिवर्तन कर इस विषय की दोनों ग्रुप के विषय की परीक्षा 27 जून को दोनों पाली में निर्धारित कर दी गई। जिन परीक्षार्थियों को प्रोग्राम में हुए परिवर्तन की जानकारी मिली वे परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए, लेकिन सैकड़ों परीक्षार्थी पूर्व के निर्धारित तिथि शुक्रवार को परीक्षा देने स्वसमय केंद्र पर पहुंचे। परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के बाद कई परीक्षार्थी को पता चला कि जिस विषय की वे परीक्षा देने आए हैं उस विषय की परीक्षा प्रोग्राम में परिवर्तन होने के कारण गत गुरुवार को ही हो चुकी है।
यह जानकारी मिलते ही परीक्षार्थियों के होश उड़ गए। प्रोग्राम में हुए परिवर्तन से परीक्षा छूट जाने के कारण परीक्षार्थियों ने विश्वविद्यालय के प्रति काफ़ी आक्रोश व्यक्त किया। परीक्षार्थी ने कहा कि परीक्षा के प्रोग्राम में परिवर्तन होना अच्छी बात है, लेकिन जब भी प्रोग्राम में परिवर्तन होता है तो उक्त विषय की तिथि पूर्व के निर्धारित तिथि से आगे होती है, ताकि जिस परीक्षार्थी को जानकारी नहीं मिल पाती है वे परीक्षा केंद्र पर आते हैं तो उनकी परीक्षा आगे किस तिथि में होनी है इसकी जानकारी मिल जाती है, जिससे परीक्षा नहीं छूटती है। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा प्रोग्राम परिवर्तन में घोर लापरवाही बरती गई, जिसके कारण सैकड़ों छात्रों की परीक्षा छूट गई और उनका भविष्य दांव पर लग गया। वहीं छात्रों ने 27 जून को हुई परीक्षा को निरस्त करते हुए पुनः उक्त विषय की परीक्षा की दूसरी तिथि निर्धारित कर परीक्षा लिए जाने की मांग की है। मालूम हो कि प्रोग्राम में परिवर्तन के कारण जेपी कॉलेज नारायणपुर में 51, जीबी कॉलेज नौगछिया में 57 एवं 60 परीक्षार्थी की परीक्षा परिणाम में परिवर्तन के कारण परीक्षा छूट गई है। नवगछिया के तुलसीपुर में फुफेरा देवर संग विवाहित महिला फरार। खरीक थाना क्षेत्र के तुलसीपुर में एक विवाहित महिला अपनी पति को रात में सोए अवस्था में छोड़कर दूर के रिश्तेदार फुफेरा देवर के साथ फरार हो गई। पति जब जगा तो पत्नी को गायब पाया। उसके मोबाइल पर फोन लगाकर जब बात किया तो पत्नी ने जवाब दिया कि अब तो मैं चली गई। आरोपित फुफेरे भाई के मोबाइल पर संपर्क किया तो फुफेरे भाई ने महिला के पति को बताया कि वह उसके पत्नी को लेकर उदा किशनगंज जा रहा है और वहीं पर राजी खुशी से विवाह कर हम लोग घर बसाएंगे। जब पीड़ित पति ने मामले की सूचना खरीक पुलिस को दी, बरामदगी की गुहार लगाई है। नवगछिया, दहेज के लिए महिला की हत्या करने के मामले में आरोपी गिरफ्तार। नवगछिया थाना क्षेत्र के सिरपुर निवासी ज्वाला सिंह को नौगछिया पुलिस ने छापेमारी कर गिरफ्तार कर लिया है। नौगछिया थाना के दरोगा राघव सिंह ने बताया कि ज्वाला सिंह दहेज के लिए महिला चंदा देवी की हत्या कर सब को गायब कर दिए जाने के मामले में प्राथमिकी का अभियुक्त है। 17 अप्रैल को मृतक महिला चंदा देवी के मामा बांका जिला निवासी अमरपुर के सिंटू मंडल ने 9 लोगों को नामजद करते हुए नौगछिया थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस द्वारा शुक्रवार को एक आरोपी ज्वाला सिंह को पुलिस ने गांव से छापेमारी कर गिरफ्तार कर लिया। खरीक के बगड़ी में महिला के साथ मारपीट। खरीक थाना क्षेत्र के बगड़ी में फसल क्षति का विरोध करने पर पड़ोस के लोगों ने महिला की जमकर पिटाई कर दी। इस बाबत पीड़ित महिला फूलमणि देवी खरीक थाना पहुंचकर शुक्रवार को पुलिस से फरियाद की है, जिसमें महिला ने पुलिस को बताया कि पड़ोस के राणा यादव की बकरियां खेत में घुसकर लगे फसल को बर्बाद कर रही थी। जब घर पर जाकर बकरी बांध कर रखने की बात कही तो राणा यादव, बाना यादव, बोकू यादव और भाषो यादव गुस्सा से आग बबूला हो गए और सभी आरोपियों ने एक स्वर में गाली गलौज और मारपीट करना शुरू कर दिया और अभद्र व्यवहार किया। इस संदर्भ में महिला ने खरीक पुलिस से कार्रवाई की गुहार लगाई है। सब्सक्राइब करें गोसाईगांव समाचार चैनल को, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन तुरंत।